नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध प्रकाश बोर्ले, चीफ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट बोर्ले हॉस्पिटल बुरहानपुर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है कि स्पाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो 95% लोग इससे डरते हैं। कभी भी पेशेंट्स आता है तो पेशेंट बोलता है कि नहीं सर, हमको स्पाइन का ट्रीटमेंट करना है, लेकिन उस स्पाइन का ट्रीटमेंट करने के लिए सर्जरी नहीं करवाएंगे। विदाउट सर्जरी कोई ट्रीटमेंट होगा तो हमको बताएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिन्होंने इसका रीजन ये कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिन्होंने सर्जरी करवाई है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्जरी। दे आर ऑलवेज सेज कि सर सर्जरी तो हमने करवा ली लेकिन सर्जरी के बाद भी हमको दर्द हो रहा है, सो क्या फायदा हुआ सर्जरी करके। देखें, ऐसा हर बार सही तो नहीं है, लेकिन पार्टली इट इज ट्रू। बट नाउ वी आर हियर इन बोर्ले हॉस्पिटल जिसमें हमने मोर देन 35,000 पेशेंट्स हमारा पूरा स्टडी है, जिसमें हमने मोर देन 5,000 पेशेंट्स की सर्जरी जो है जो सर्जरी करके हमारे पास आए थे उनको हमने ट्रीट किया है और 95% ऑफ पेशेंट्स की सर्जरी अवॉइड कर दी। सो इसका एक हमारा एक स्पेशल टेक्निक है, एक स्पेशल सिस्टम है जो चार स्टेप्स में हमारा होता है। फर्स्ट स्टेप रहता है स्पाइनल मस्कुलर स्केलेटल रिपेयर, जिसमें हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली मैक्सिमम पेशेंट्स MRI, सीटी स्कैन, एक्सरे करते हैं, बट MRI, एक्सरे, सीटी स्कैन में आपका इट इज नॉट कंफर्म, हर बार ये फिक्स नहीं है कि आपका रूट कॉज आइडेंटिफाई हो, पर इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल हमने मैनेजमेंट प्लान बनाए हैं जो डायग्नोस्टिक प्लान है, जिसका हमारा सेकेंड स्टेप है डिजिटल स्पाइनल एनालिसिस। तो डिजिटल स्पाइनल एनालिसिस में वी हैव डिजाइन अ स्पाइनल माउस। तो स्पाइनल माउस एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है कि जिससे हम पूरा जो सर्वाइकल थोरेसिक एंड लंबर से ये स्पाइनल माउस से प्रॉपर पेशेंट्स के डायग्नोसिस करते हैं, उसके साथ में स्पाइनल करेक्शन टेबल से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है। और वो रूट कॉज एक बार डायग्नोसिस हो गया है कि तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं एडवांस पेन केयर मैनेजमेंट, जिसमें हमारा पढ़ना है 3 P's का, पेन मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी एंड प्रोसीजर्स। ये मैक्सिमम 95% ऑफ द पेशेंट्स इन चीजों से, इन 3 P's से अच्छे होते हैं। तो जिन हमारा एक भरोसा है कि ये जो 3 P's है वो पेशेंट्स को बहुत अच्छी विजय देते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जो एक बार सर्जरी होने के बाद वो डरे हुए, मैक्सिमम पेशेंट जिनका सर्जरी हुआ है, जिनका कोई भी मेजर प्रोसीजर हुआ है, वो डरे हुए थे, वो बाद में फिर से रिपीट हॉस्पिटल में किसी डर से नहीं जाते, तो उनका कई दिन से ऑपरेशन नहीं हो जाए, वो पहला बहुत जो दर्दनाक एक्सपीरियंस उनको फिर से ना हो। तो हम ये आपको भरोसा देते हैं कि ये जो हमारा ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट टोटली नॉन सर्जिकल है और हम ऐसे मैक्सिमम पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगेन 3 P's लाइक पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर, पेन मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी प्रोसीजर से हमको अच्छा करते हैं। किसी कोई भी आपको परेशानी है तो कृपया हमको संपर्क करिए। धन्यवाद।